तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना खुद का एक पाइथन पैकेज कैसे बना सकते हो और उसको कैसे पब्लिश कर सकते हो ताकि उसको बाकी लोग भी जो है यूज़ कर सके। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे या फिर कोई भी ब्राउज़र पे चले जाओ, आपकी मर्ज़ी है। देन फिर आपको जाना है यहाँ पे pypee.org पे। देन फिर आपको यहाँ पे जाना है रजिस्टर पे और फिर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर लेना है सिंपली। तो मैंने यहाँ पे पहले से रजिस्टर कर रखा है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सीधा लॉग इन पे और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लूँगा। तो मेरा यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा एक पैकेज पहले से पब्लिश है। तो जब आप पहली बार रजिस्टर करोगे और योर प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपसे जो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो आप उसको ऑन कर लेना, तभी आपका जो योर प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन जो है अनलॉक होता है। तो बस ये बताना था आपको कि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ऑन करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप जाता हूँ अपने VS कोड में और मैंने अपना VS कोड जो है हाउ टू पब्लिश आवर पाइथन पैकेज वाले फोल्डर में जो है ओपन कर रखा है। तो बेसिकली ये मेरा बेस फोल्डर है। देन इस फोल्डर के अंदर अपना एक फोल्डर बनाऊंगा मैं SRC के नाम से। तो मेरा जो ये SRC फोल्डर है इसके अंदर जो मैं अपना एक पाइथन पैकेज बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना दो अपने SRC के अंदर और इस फोल्डर का नाम मेरे को अपना पैकेज का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपने पैकेज का नाम लिखूंगा, तो लिखता हूँ हेलो टेस्ट। और ये श्योर कर लेना कि आपका ये जो पैकेज का नाम है बिल्कुल ये यूनिक हो, ऐसा कोई पैकेज का नाम ना हो पहले कभी। तो अगर आप श्योर नहीं हो कि आपका पैकेज का नाम यूनिक है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पैकेज के नाम के आखिर में अपना यूज़र नेम भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम लगा दूंगा, तो लिखूंगा मैं प्रोग्रेस विद पाइथन। तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम लगा दिया है। तो अब ये पूरा 100% श्योर यूनिक नेम हो गया है पैकेज का। देन ये हमारा जो पैकेज फोल्डर है इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई। तो ये फाइल हम इसलिए बनाते हैं ताकि पाइथन जो है इस फोल्डर को, हेलो टेस्ट वाला जो फोल्डर है हमारा पैकेज का, उसको एज अ पैकेज कंसिडर करे, एज अ नॉर्मल फोल्डर जो है कंसिडर ना करे। और आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर का कन्फ्यूजन ना हो तो अभी कुछ क्षण के लिए टेम्परली एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना SRC के अंदर टेस्ट नाम से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं जो भी फाइल बना रहा हूँ वो हेलो टेस्ट के अंदर बना रहा हूँ। देन अपने इस हेलो टेस्ट के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम लिख देता हूँ मैं ग्रेट डॉट पाई। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक सा पैकेज बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ डेव ग्रीट मी के नाम से। तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा हेलो बॉस, सिंपल ये पैकेज बन गया मेरा। आप चाहे तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो कि फ्रॉम डॉट ग्रीट इम्पोर्ट ग्रीट मी, यहाँ पे सिंपल इसको इम्पोर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। या फिर आप इनिट डॉट पाई फाइल को खाली भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पे अगर मेरे को पाइथन के अंदर वर्जन चेक करना है मेरे पैकेज का, तो उसके लिए यहाँ पे एक वर्जन फाइल भी बना दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं वर्जन डॉट पाई, तो यहाँ लिख दूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू, और इसकी मेरा वर्जन है 0.0.1। तो ये आपको स्ट्रिंग में लिखना है कि डबल इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी। देन इसको सेव करके यहाँ पे इन डॉट पाई में जाता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ फ्रॉम डॉट वर्जन इम्पोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन। तो यहाँ पे करता हूँ इसको सेव। तो यहाँ पे हमारा पैकेज जो है बन चुका है। अब मैं SRC फोल्डर के बाहर आता हूँ और इस टेस्ट वाले फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, अब कुछ काम नहीं इसका। बस आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए कि SRC, देन SRC के अंदर पैकेज वाला फोल्डर, देन उसके अंदर ये यहाँ पे सारी फाइल। तो मैं इस टेस्ट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे अपनी SRC के बाहर आता हूँ, मतलब SRC के जहाँ पे हमारा SRC फोल्डर है वहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा पाई प्रोजेक्ट डॉट TOML के नाम से, और ये SRC के बाहर है। और ऐसे यहाँ पे एक रीडमी फाइल भी बनाऊंगा ताकि आप अपने पैकेज का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सके। तलूंगा रीडमी डॉट MD। देन यहाँ पे एक लाइसेंस फाइल भी बना देन यहाँ पे एक लाइसेंस फाइल भी बना लूँगा। तो यहाँ पर आप अपने पैकेज का लाइसेंस डाल सकते हो। तो मैं करता हूँ वापस जाता हूँ अपने गूगल क्रोम पे जहाँ पे ये खुला हुआ था, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे हेल्प सेक्शन के अंदर सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है अपलोडिंग पैकेजेस। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये मेरे को डॉक्यूमेंटेशन पे जो है रीडायरेक्ट कर देगा। तो
यहाँ पे अपने ओएस के हिसाब से जो चूज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन, जैसे कि यहाँ पे मेरा विंडोज है तो मेरे को विंडोज के लिए कमांड चाहिए, और अगर आपका मैक ओएस है तो आप इसको चूज कर सकते हो, मैक ओएस या फिर यूनिक्स है तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और फिर मैं यहाँ पे जो अपना सेटअप टूल जो यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं सेटअप टूल पे क्लिक करके इस पूरे को कॉपी कर लूंगा। वैसे तो यहाँ पे भी कॉपी का दिया हुआ है, और वीएस कोड में जाके यहाँ पे जाऊंगा पाई प्रोजेक्ट डॉट टी एम एल फाइल पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद वापस से जाता हूँ क्रोम पे और नीचे स्क्रॉल करूंगा, तो यहाँ पे बताया हुआ कि पैकेज की कैसी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा और जाऊंगा वीएस कोड, और जाऊंगा वीएस कोड में और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसके नीचे। और फिर यहाँ पे इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपना नेम मॉडिफाई कर दूंगा, मेरा नाम है, मेरे पैकेज का नाम है हेलो टेस्ट, क्या था, हाँ हेलो टेस्ट ही था, हेलो टेस्ट अंडर स्कोर प्रोग्रेस विथ पाइथन। यहाँ पे मैं वर्जन बता दूंगा, मेरा वर्जन है 0.0.1। देन यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो विवेक कुमार, और फिर यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, एक छोटा सा स्मॉल पैकेज फॉर ग्रेट यू, फिर यहाँ पे लिखा है रीडमी इज इक्वल टू रीडमी, तो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन लेना है हमारे रीडमी डॉट एम डी फाइल से, तो यहाँ पे इन्होंने कैपिटल में लिखा हुआ है तो, और यहाँ पे हमने स्मॉल में कर दिया, तो चाहे तो आप इसको कैपिटल में कर दो पूरे को रीड मी। या फिर आप यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं, तो जो भी करना चाहो। और फिर रिक्वायर्स पाइथन में आपको बताना है कि आपको आपके पाइथन पैकेज को इंस्टॉल होने के लिए कौन सा वर्जन मिनिमम रिक्वायर्ड है पाइथन का, तो यहाँ पे 3.8 लिखा हुआ है, पर मेरा तो 3.1 में भी चल जाएगा, तो यहाँ पे बोल देता हूँ 3.1 से बड़ा होना चाहिए पाइथन वर्जन इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका पाइथन पैकेज किसी और एक्सटर्नल पैकेज पे डिपेंड है, आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपेंडेंसीज इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप अपने एक्सटर्नल पैकेज की पूरी लिस्ट बना सकते हो जिस पे आपका पैकेज डिपेंड है, जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे ओपन सीवी पे डिपेंड है, ओपन सीवी हाइफन कॉन्ट्रेप हाइफन पाइथन पे डिपेंड है। देन उसके बाद यहाँ पे आप कीवर्ड्स भी बता सकते हो, कीवर्ड्स आपके पैकेज के क्या कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपको ग्रेट करेगा और ये AIML के काम आता है, AI हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ग्रेट का इसके कुछ कीवर्ड्स होंगे नहीं ग्रेट के, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, AI में आएगा, ML हो गया इसका कीवर्ड, ऐसे जो भी आपके पैकेज के कीवर्ड्स हैं वो लिख सकते हो। देन फिर अगर आपका गिटअप पे प्रोजेक्ट है तो गिटअप की लिंक डाल सकते हो। देन इसको मैं यहाँ पे कर लूँगा सेव, देन वापस से जाता हूँ क्रोम पे और नीचे स्क्रॉल करूँगा, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कैसे रीडमी फाइल बनानी है, ये सिंपल रीडमी फाइल का एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, या फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे और करता हूँ व्यू पे क्लिक। तो अगर आपको जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है पूरा, ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मेरा मेरे पैकेज की, अगर आपको ऐसे रीडमी फाइल बनानी है कि ऐसे ये पूरा डिब्बे आ जाए और ये पूरा ऐसा बोल्ड हो टेक्स्ट जो है मेरा, तो अगर आपको ऐसे बनानी है तो मैं अपनी रीडमी फाइल दे देता हूँ, तो आप इसको वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो ये मेरी रीडमी फाइल है, मैं इसको यहाँ पे पूरे को कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे जाऊँगा रीडमी में और यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। देन उसके बाद जाता हूँ वापस से क्रोम पे और जाता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे, और नीचे यहाँ पे इन्होंने छोटा सा लाइसेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस लाइसेंस वाली फाइल में पेस्ट कर देता हूँ, देन यहाँ पे कर लेता हूँ उसको सेव। तो यहाँ पे हमारा जो है पैकेज पूरा कंप्लीट हो गया है, अब करते हैं इसको बुल्ड, तो बुल्ड करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे टर्मिनल पे, और बुल्ड करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स लगेंगी तो उनको इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिखूंगा मैं पिप इंस्टॉल, तो सबसे पहले हमें चाहिए सेटअप टूल, तो शायद सेटअप टूल तो इनबुल्ट आता है पाइथन के साथ, फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं इनबुल्ट नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। देन फिर हमें चाहिए यहाँ पे व्हील, और फिर चाहिए हमें यहाँ पे बुल्ड BULD, तो ये तीन चीज़ तो होगी हमारे पैकेज को बोल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड। देन उसके बाद हमें चाहिए ट्वाइन हमारे पैकेज को अपलोड करने के लिए, तो यहाँ लूंगा मैं ट्वाइन TWIN, देन यहाँ पे कर देता हूँ एंटर, तो ये इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो ये यहाँ पे मेरे इंस्टॉल हो गए हैं, मतलब पहले से इंस्टॉल थे तो सभी में दिखा दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है पाई हाइफन एम बोल्ड, तो ये बोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पैकेज जो है बोल्ड हो गया है, तो यहाँ पे डिस्ट एक फोल्डर बन गया है और इसके अंदर दो फाइल है, एक व्हील है और एक .tar.gz है। तो इसको पब्लिश करने से पहले लोकली टेस्ट कर लेते हैं। तो लोकली टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने सिस्टम में। तो इस यहाँ पे लिखूंगा मैं पिप इंस्टॉल, और फिर यहाँ लिखूंगा डिस्ट, देन यहाँ पे स्लैश करके हेलो लिखूंगा, देन यहाँ पे टैप प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी tar.gz। तो ये नहीं चाहिए हमें, तो मैं दोबारा से टैप प्रेस करूँगा तो अब ये व्हील वाली फाइल आ जाएगी। देन फिर करता हूँ यहाँ पे एंटर, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है, और मैंने अपने पैकेज की कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि ओपन सी वी पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसने ओपन सी वी को इंस्टॉल किया, और ओपन सी वी पहले से इंस्टॉल था तो यहाँ पे इसने दिखा दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देन फिर इसने यहाँ पे मेरा जो है पैकेज इंस्टॉल किया है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे पाइथन खोलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इम्पोर्ट हेलो टेस्ट अंडरस्कोर प्रोग्रेस विथ पाइथन, देन एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। अब जो फंक्शन बनाया था वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया था हेलो टेस्ट, तो ये पूरा नाम लिखने की जगह मैं एक काम कर सकता हूँ, उसको एज अ पी डब्ल्यू पी इम्पोर्ट करते हैं, और यहाँ लिखूंगा मैं PWP.greetMe, ओप्स greetMe, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो बॉस। और मेरे को यहाँ पे वर्जन चेक करना है, तो यहाँ लिख सकता हूँ PWP_version_underscore, तो यहाँ पे बता देगा मेरे पैकेज का वर्जन। तो हमारा यहाँ पे पैकेज सक्सेसफुली बन चुका है, और बुल्ड भी हो चुका है सक्सेसफुली, और काम भी कर रहा है। अब करते हैं इसको पब्लिश। तो पब्लिश करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पाइथन के बाहर आता हूँ मैं, इसको क्लियर करते हैं। तो पब्लिश करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं पाई हाइफन एम ट्वाइन अपलोड, देन फिर जो भी अपलोड करना है जिसके यहाँ लिखा हूँ मेरे को डिस्ट स्लैश स्टार। तो यहाँ पे डिस्ट स्लैश स्टार का मतलब है डिस्ट के अंदर जितने भी फाइल हैं उन सबको अपलोड कर दो। तो ये लिखने के बाद जैसे यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मांगेगा API टोकन। तो आपको टोकन बनाना होगा सबसे पहले, तो उसके लिए यहाँ पे आप जाओगे क्रोम पे, यहाँ पे जाओगे अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ अपने अकाउंट सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आएगा API टोकन का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे एक API बना लेनी है और उसको कॉपी कर लेना है। देन कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। तो अभी तो अपना यहाँ पे मैं API टोकन पेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा हेलो टेस्ट वाला, तो यहाँ पे मैं पब्लिश करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दूसरा पैकेज पब्लिश करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्टॉप, और मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने पैकेज का एक नया वर्जन बनाया 0.0.4, तो मैं यहाँ पे इसको पब्लिश करके दिखाऊंगा मैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं पाई, इससे पहले थोड़ा जूम कर देता हूँ, चलिए लिखूँ मैं पाई हाइफन एम ट्वाइन अपलोड, और यहाँ पे लिख दूंगा डिस्ट प्लस स्टार। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपना API टोकन। तो यहाँ पे मैंने अपना API टोकन जो है कॉपी कर लिया है। तो एक बात ध्यान रखना, जब आप अपना API टोकन बना रहे हो ना, तो उसको कॉपी करके कहीं सेफ जगह पे रख लेना, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार आपको दिखेगा टोकन, उसके बाद वो दोबारा आपको दिखेगा नहीं अपने डैशबोर्ड पे आपको। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपने टोकन को पेस्ट। तो अगर आप पावर शेल पे हो तो कंट्रोल शिफ्ट वी, और अगर आप सिंपल CMD यूज़ कर रहे हो तो उस कंट्रोल वी से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली जो है नया वर्जन जो पैकेज का अपलोड हो गया है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रोम पे और योर प्रोजेक्ट्स देन व्यू, तो
तो मेरा यहाँ पे नया वर्जन आ गया 0.0.0.4 का। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।